नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अरोड़ा इन्वेस्ट मार्ट से आज आपके साथ फिर लेकर आया हूं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है ICICI हेल्थ एडवांटेज पॉलिसी। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है दोस्तों। ICICI ने इस पॉलिसी को काफी रिवाइज किया है और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड किए हैं। तो लेट स्टार्ट ICICI हेल्थ एडवांटेज पॉलिसी। तो हम डिस्कस करते हैं ICICI हेल्थ एडवांटेज पॉलिसी के कुछ फीचर्स। इसकी एंट्री एज दोस्तों 18 साल है। 18 साल से लेकर 65 इयर्स तक का आदमी इस पॉलिसी में एंटर कर सकता है। आप ये पॉलिसी इंडिविजुअली अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बाय कर सकते हैं। ये पॉलिसी इंडिविजुअल फॉर्म में भी बाय की जा सकती है और फैमिली फ्लोटर में भी बाय की जा सकती है। फैमिली फ्लोटर में आप अपनी वाइफ अपने बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं इस पॉलिसी में दोस्तों। इस पॉलिसी का सम इंश्योर दोस्तों 5 लाख मिनिमम और 3 करोड़ तक आप ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। इस पॉलिसी में इट मींस जो कवरेज है आपको मिनिमम 5 लाख और 3 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है दोस्तों। आप इस पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल 2 साल 3 साल तक पे कर सकते हैं दोस्तों। इट मींस अगर आप ये पॉलिसी का प्रीमियम 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे करते हैं और 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट देती है प्री पेमेंट ऑफ प्रीमियम देने के लिए कि 2 साल और 3 साल के प्रीमियम पे आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। देयर इज नो रूम रेंट कैपिंग इन दिस पॉलिसी दोस्तों। आप अगर कोई भी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन होती है और आप रूम रेंट उस हॉस्पिटल का 10,000 है 15,000 है सूट रूम है सुपीरियर डीलक्स रूम है आप कोई भी रूम ले सकते हैं दोस्तों। देर इज नो रूम रेंट कैपिंग। सेम उसी तरह देर इज नो ICU में भी कोई भी जितने भी चार्जेस होंगे वो कंपनी रीइंबर्स करती है और उसके पेमेंट कंपनी देती है। तो उस ICU के लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो भी कवर है दोस्तों इस पॉलिसी में। इसका मतलब क्या है ये जान लेते हैं दोस्तों। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है अगर कोई भी क्लेम आता है दोस्तों उससे पहले के 60 दिन, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है दोस्तों क्लेम के बाद 180 दिन तक के भी मेडिसिन चेकअप्स कोई भी टेस्ट होते हैं वो इस पॉलिसी में कवर है दोस्तों। तो आप नॉर्मली हमसे लोग पूछते हैं कि ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज के बेनिफिट हम कैसे ले पाएंगे। ये आप रीइंबर्समेंट के थ्रू ही ले पाएंगे। उसके लिए आपको बिल इकट्ठे करने हैं दोस्तों। जो भी खर्चा आपने हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले और हॉस्पिटलाइजेशन डिस्चार्ज होने के बाद किया है उसके आप बिल इकट्ठे करेंगे। वो सारे बिल इकट्ठे करके आप रीइंबर्समेंट फॉर्म भर के कंपनी को सबमिट करेंगे और कंपनी वो पैसा भी आपको देती है दोस्तों। अब ये जान लेते हैं दोस्तों आप क्लेम कब ले सकते हैं इस पॉलिसी में। आप क्लेम आफ्टर 30 डेज, 30 दिन तक, 30 दिन के बाद आप कोई भी तरह का क्लेम ले सकते हैं एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल पहले दिन से कवर शुरू हो जाएगा और उसके अलावा कोई भी कवर जो कोई भी आपने क्लेम लेना है इस पॉलिसी में दोस्तों वो आफ्टर 30 डेज शुरू होगा। बट उसके भी कुछ कंडीशंस हैं लाइक प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी भी तरह की कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और वो आपने पॉलिसी लेते हुए मेंशन की है तो उसका कवरेज दोस्तों 24 मंथ्स 2 साल के बाद शुरू होगा इस पॉलिसी में। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में दोस्तों। नॉर्मली जो अदर पॉलिसीज हैं कुछ पॉलिसीज में ये कवरेज 36 महीने, कुछ पॉलिसीज में ये प्री एग्जिस्टिंग कवरेज 48 मंथ्स 3 साल या 4 साल के बाद शुरू होता है दोस्तों। पर इस पॉलिसी में आफ्टर 24 मंथ्स 2 सालों के बाद आपका प्री एग्जिस्टिंग कवरेज शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो 24 महीने के बाद ही उसका कवरेज शुरू होता है क्योंकि वो डिजीजेस IADA मानती है कि स्लो मूविंग डिजीजेस हैं जो धीरे धीरे फैलती हैं, उनका कवरेज 24 महीने के बाद शुरू होगा। और उसकी एक लिस्ट है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है पॉलिसी वर्डिंग में, आप वो देख सकते हैं। उसकी मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं दोस्तों लाइक हर्निया, यूटरस रिमूवल, कैटरैक्ट, प्रोस्टेट, ये कुछ बीमारियां हैं जिनका कवरेज आपका दोस्तों 24 महीने के बाद ही शुरू होगा। ये लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस पॉलिसी में दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड इन दिस पॉलिसी दोस्तों। उसका क्या मतलब है,
ड्यू टू एडवांसमेंट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कुछ इलनेस ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट विद इन 24 आवर्स हो जाता है और पेशेंट को 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती दोस्तों। तो मतलब कि कुछ बीमारियां जिनका 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है वो कवरेज भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है दोस्तों। तो ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड इन दिस पॉलिसी दोस्तों। उसके अलावा नो क्लेम बोनस, गारंटेड नो क्लेम बोनस मिलता है दोस्तों, जो कि अप टू 100% है। वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं दोस्तों तो 20% एवरी ईयर टिल नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको नो क्लेम बोनस मिलता रहेगा। मतलब कि अगर 10 लाख की पॉलिसी आपने ली तो हर साल 20% मतलब कि 2 लाख रुपया नो क्लेम बोनस का आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहेगा विद सेम प्रीमियम। तो मतलब आपकी पॉलिसी 10 लाख से 12 लाख फिर 14 लाख फिर 16 लाख फिर 18 फिर 20 लाख की, पांचवें साल में आपकी पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी दोस्तों। तो 100% नो क्लेम बोनस मिलता है दोस्तों आपको इस पॉलिसी में, जो कि बहुत ही बढ़िया नो क्लेम बोनस फीचर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको इस पॉलिसी में एवरी ईयर हेल्थ चेकअप मिलता है। हेल्थ चेकअप जो है 0.5% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 5,000 तक का आपकी फैमिली हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकती है दोस्तों, जो कि एवरी ईयर आपको मिलता है दोस्तों। इसके अलावा डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी दोस्तों। मतलब कि अगर ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी रीजन आपको आपका ट्रीटमेंट घर पर करवाना पड़े तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड दोस्तों, वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड है दोस्तों। इसके अलावा इस पॉलिसी में दोस्तों आपको रीस्टोर बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी कई पॉलिसीज में डिस्कस किया है कि आपको रीस्टोर बेनिफिट मिलता है, इस पॉलिसी में भी आपको 100% रीस्टोर बेनिफिट मिलता है। उसका क्या मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और आपका उसमें से कुछ क्लेम आ जाता है और कुछ कवर यूज हो जाता है तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाएगी अप टू सम इंश्योर्ड अगेन, तो आप दोबारा 10 लाख तक का क्लेम ले सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली ये देखा गया है दोस्तों कि ये रीस्टोर बेनिफिट यूज में नहीं आता, बट ये फीचर कंपनी ने दिया हुआ है और अगर कभी ये यूज में आया तो आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस पॉलिसी में दोस्तों एनिमल बाइट के लिए आपको 10,000 रुपए तक का क्लेम मिलता है, जिसके लिए आपको कोई बिल्स नहीं देने, कुछ नहीं देना, 10,000 तक का क्लेम आप ले सकते हैं दोस्तों। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है दोस्तों इसमें, अगर आप इस पॉलिसी में एंटर कर जाते हैं बिफोर 65 ईयर्स तो आप लाइफ लॉन्ग टिल लाइफ आप इसको पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं, कंपनी आपको किसी भी रीजन के कारण मना नहीं कर सकती दोस्तों। अनलिमिटेड ऑनलाइन ओपीडी अवेलेबल है दोस्तों इसमें, ये फीचर बहुत ही बढ़िया है। आप ऑनलाइन ओपीडी ले सकते हैं अनलिमिटेड, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी आपको एक ऐप देती है जिसमें हेलो डॉक्टर के नाम से ऐप है, फीचर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, जाकर आप वहां पे अपनी कॉल लॉग कर सकते हैं, आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की ओपीडी के लिए। दैट इज द बेस्ट फीचर इन दिस पॉलिसी दोस्तों, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ राइडर्स हैं दोस्तों, जैसे कि को पेमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपका पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा बन रहा है और आप उसको रिड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप 10% और 20% को पेमेंट राइडर लेकर आप उस पॉलिसी को प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा इस राइडर को कभी ना लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा प्रीमियम करके आप अपने क्लेम में 10% की को पेमेंट लगवा लेंगे या 20% की को पेमेंट लगवा लेंगे। उसका मतलब है कि आपने प्रीमियम में फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए बचा लिए, बट अगर आपका 10 लाख का क्लेम आ गया तो या तो 1 लाख रुपया को पेमेंट लग जाएगी या 2 लाख रुपया को पेमेंट लग जाएगी एज पर को पेमेंट राइडर विच यू हैव टेकन। तो इसको मत लीजिए, बट अगर इफ यू विश आप ये फीचर अवेल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मली हमने देखा है कि क्या होता है कि कुछ नॉन पेबल आइटम्स होती हैं जो कोविड के टाइम में लोगों ने बहुत फील किया उस पे कि उसका जो क्लेम है नहीं मिलता, तो इसमें क्लेम प्रोटेक्टर राइडर फीचर अवेलेबल है, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने लेना ही लेना है इस पॉलिसी में, क्योंकि उसकी कॉस्ट नॉमिनल है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर आप वो राइडर ऑप्ट कर लेते हैं तो ऑल टाइप ऑफ नॉन को पेबल आइटम्स वो आपकी कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ग्लव्स, डेटॉल,
कॉटन, पीपी किट, ये सब आइटम्स ऐसी हैं जिसकी कॉस्ट नॉर्मली पॉलिसी में कवर नहीं की जाएगी, बट ये क्लेम प्रोटेक्टर राइडर लेकर ये सारे नॉन पेबल आइटम्स भी कवर हो जाती है दोस्तों। तो ये राइडर आप ऑप्ट करें ही करें, ये मेरी आपको एडवाइस है दोस्तों। इस पॉलिसी का प्रीमियम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं दोस्तों। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, टू अडल्ट्स टू चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ दो बच्चों के साथ, 35 साल की एज, एवरेज एज पे जो प्रीमियम बनता है 10 लाख कवर का 19,152 दोस्तों। ये जोन 3 का प्रीमियम है, उसके अलावा जोन 2 का प्रीमियम, जोन 1 का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा दोस्तों, तो वो एज पर योर लोकेशन आप वो प्रीमियम चेक कर सकते हैं। बाकी हमने इस पॉलिसी की वर्डिंग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दी है, आप वहां पर जाकर पॉलिसी के सारी टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर सकते हैं दोस्तों। हमारा नंबर दोस्तों स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसके अलावा हमने गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको कोई भी एडवाइस, कोई भी क्वेरी है तो आप गूगल फॉर्म पे डाल सकते हैं, हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेरी का रिप्लाई देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।